أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے ये बताया था कि इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने जमात अहमदिया को रब्वा मरकज ने सिलसिला में एक लंबे अरसे के इंफिताह के बाद खुदामुल अहमदिया के इज्तिमा की इजाज़त दे दी है। अगरचे इजाज़त अपनी ज़ात में बहुत ही कंजूसी के साथ दी गई है, कई ऐसी शरायत आयद की गई हैं जिनकी रूह से जो इजाज़त के नतीजे में बशाशत पैदा होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल इजाज़त ज़रूर है। तो इस पहलू से मैंने जमात को ताकीद की कि इस पर भी शुक्र वाजिब है और खुदा का शुक्र तो हम हमेशा करते ही हैं और हमेशा करते रहेंगे, मगर पंजाब हुकूमत ने जो मामूली सी शराफत का इजहार किया है इसके नतीजे में इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। साथ ही मैंने ये बताया था कि मुझे डर है कि उलमा यानी वो पाकिस्तान के मुआनदीन जो उलमा कहलाते हैं और जमात अहमदिया के दर पे आज़ार रहते हैं उनको ये इजाज़त बहुत तकलीफ़ देगी और इसका वो शदीद रद्द अमल दिखाएंगे और हम नहीं कह सकते कि हुकूमत पंजाब पर इसका क्या असर पैदा होता है। इन दोनों बातों में से पहली बात इस्लाह तलब है। जो इजाज़त हुकूमत पंजाब की तरफ मंसूब की गई थी मालूम होता है वो डिप्टी कमिश्नर ने दी थी और मालूम ये होता है कि अपने बाला अफसरों से उन्होंने पूरी एहतियात के साथ वजाहत के साथ इजाज़त हासिल नहीं की थी। चुनाचे इजाज़त देने के मान बाद जब उलमा ने शोर मचाया यानी उन लोगों ने जिनको उलमा कहा जाता है उन्होंने शोर मचाया तो पहले दिन ही हुकूमत पंजाब ने शदीद रद्द अमल दिखाया अहमदियों के ख़िलाफ़ और डीसी ने ज़बानी पैगाम भिजवाया एसी को कि वो फौरी तौर पर धौंस जमा कर जिस तरह भी हो इस इजाज़त को मनसूख करवा कर ये इज्तिमा बंद करवा दें। एसी और पुलिस वाले नुमाइंदे जमात पर ज़ोर देते रहे लेकिन जमात ने यह मौक़िफ़ लिया कि जब तक आप बाकायदा तहरीरी तौर पर अपनी तहरीरी इजाज़त को मनसूख नहीं करते उस वक्त तक आपका कोई हक़ नहीं कि हमसे तवक्को रखें कि हम एक जारी इज्तिमा को बंद कर दें जिसमें शमूलियत के लिए हज़ारहा नौजवान दूर दराज का सफ़र तय करके आए हैं। लेकिन उन्होंने अपना धौंस का तरीक जारी रखा और दबाव डालने के लिए नादिर साहब उमूर आमा मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहब को और उनके भाई जो इस वक्त नादिर इस्लाह इरशाद हैं एक हिस्से के नादिर इरशाद हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को
उनको पकड़ लिया बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के, और उनके साथ दो अमूर आमा के कारकुनान को और उसके अलावा कुछ और लोगों के पकड़ने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी, और इनको रात को छापा मार के वहाँ चिंजोट थाने में पहुँचा दिया गया, जहाँ से दूसरे दिन बाकायदा जेल में मुंतकिल किया गया। उनकी हिमाकत की हद ये है कि जमात को यह पैगाम भी दिया कि अगर आप इन दोनों को छुड़वाना चाहते हैं तो इनके बदले कोई और अहमदी दे दें, और मुझे ये पैगाम फ़ोन के ज़रिए मिला। मैंने पैगाम देने वाले से कहा कि आप ने सोचा कि ये पैगाम को देने वाला पैगाम है, मेरे लिए सारे अहमदी बराबर हैं, बल्कि वो दो खुदा तआला के फ़ज़ल से सआदत पा रहे हैं, मैं क्यों उनकी सआदत में मुकिल हूँ, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको फौरन इनकार कर देना चाहिए था। जमात अहमदिया के किसी फ़र्द को खाव किसी मुकाम से ताल्लुक़ रखता हो, अगर खुदा की खातिर अज़ियत दी जा रही हो तो उसका दुनिया में कोई मुतबादिल नहीं है, उसका ही हक़ है, उसी को यह सआदत नसीब हुई है, और उसकी सआदत में मुखिल होने का मुझे भी कोई हक़ नहीं। चुनाचे मैंने कहा उनको कहें मज़े करें, और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस पहलू से कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को भी इस बाबरकत दौर में इस थोड़ी सी अज़ियत की, जो बिल्कुल मामूली है, तौफीक अता हुई। उसके बाद जब दूसरे दिन भी जमात अहमदिया ने इज्तिमा बंद करने से इनकार कर दिया, तो एक वफद एसी के पास पहुंचा कि पुलिस इस तरह दबाव कर रही है, आप ये जुल्म कर रहे हैं, आप आखिर क्या चाहते हैं? जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिलेगा हम हरगिज़ इस इज्तिमा को मनसूख नहीं करेंगे। उसने कहा हमने आपको तहरीरी इजाज़त ही नहीं दी थी, हमने तो सिर्फ ये इजाज़त दी थी कि आप खेलें करें, आपने हमसे धोखा किया है, और खेलों के नाम पर इजाज़त लेके आपने तरबियती इज्तिमा भी शुरू कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि खेलों के लिए आपने मस्जिद अक्सा में इजाज़त देनी थी, वो कौन सी खेलें थीं और जिस्मानी मुकाबले थे और दौड़ें थीं जो मस्जिद में मुनक़द की जाती, इसलिए आप अकल से काम लें। और साथ उन्होंने उसकी उस इजाज़त नामे की फ़ोटोस्टेट कॉपी दिखाई कि ये इजाज़त नामा देख लें, इस पर लिखा हमारी दरख्वास्त ये थी कि हम तालीमी तरबियती इज्तिमा करना चाहते हैं और इसके साथ खेलों का भी इनेकाद होगा और हर किस्म के वर्जिशी मुकाबले भी होंगे, इन सब के ऊपर डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त तहरीरी दी हुई है, इसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ, देख के उसी के ऊपर ऑर्डर लिख दिया कि मैं मनसूख करता हूँ। बहरहाल वो निसफ की तक वो इज्तिमा हो चुका था, तो मैंने तो कहा था कि एक कतरा पहला है बारिश का, बज़ाहिर तो ये निसफ खतरा लगता है, लेकिन दरअसल ये कतरा पंजाब हुकूमत की तरफ से आया ही नहीं, इस बियाबान में तो इतने भी बुखारात नहीं हैं कि सारे मिलकर आसमान पर जाकर ये कतरा बन के बर सकें, बस वो था कतरा ही मगर खुदा के फजल का कतरा था, और अब भी मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा के फजल का ये कतरा बारिश ज़रूर बनेगा, और कोई दुनिया की ताकत इस बारिश की राह में रोक नहीं बन सकती। क्योंकि उससे पहली रात मुझे अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी दी थी जो मैंने आपको बताई थी कि अगर तुम दुआओं में साबित कदम रहो और चिमटे रहो दुआओं के साथ, तो खुदा ताला आज भी कुदरत नुमाई कर सकता है और वो ज़रूर करेगा, इसलिए हरगिज़ किसी पहलू से मायूसी की बात नहीं है। इसलिए जहाँ तक कतरे और फजल के मज़मून का ताल्लुक है वो अपनी जगह कायम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही सामान हुए हैं, अगर कोई धोखा हुआ है उनको हमारी दरख्वास्त समझने में तो ये भी बाज़ दफ़ा फरिश्तों की तरफ से लोगों की अकलों पर पर्दे पड़ जाते हैं, वो पूरी तरह तहरीर भी नहीं पढ़ सकते कि क्या लिखा हुआ है, मगर जो कुछ हुआ ये तकदीर के नतीजे में हुआ है, और
किसी इत्तेफाकी गलती की तरफ इसको मंसूर नहीं किया जा सकता। और इस निसफ इज्तिमा में भी जमात को अल्लाह ताला के फजल से बड़े हौसले हुए और बहुत जो इज्तिमा के पैगाम मिले हैं उससे मालूम होता है कि खुदाम बहुत खुश गए हैं और बड़ी मुद्दत के बाद उनकी आरज़ू पूरी हुई कि इज्तिमा की खातिर रब्वा मरकज़ सिलसिला में जमा हो सकें। जब मुखालफतों का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान में तो 1984 ही में मैंने एक खुतबे में ज़िक्र किया था कि ये लोग अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे हैं और दिन ब दिन फितनों में बढ़ते चले जा रहे हैं और कोशिश ये है कि जमात को हर लिहाज से नेस्त व नाबूद कर दें, मगर अल्लाह ताला की तरफ से जो खुशखबरियाँ मिल रही हैं और कुरान करीम के मुतालिया से जो ज़ाहिर होता है वो ये है कि खुदा ताला कसरत के साथ जमात पर अपने फजलों की बारिशें बरसाएगा। और साथ मैंने उस ज़माने में ये मिसाल दी थी कि कभी छतरियों से भी बारिशों के पानी रोके जा सकते हैं, कभी छतों के ज़रिए भी बारिशों के असरात से ज़मीन को महफूज किया जा सकता है। कितने साहिबान तान लोग हैं, जब खुदा की फजल की बारिश बरसेगी तो लाजमन बरसेगी और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। चुनांचे वहाँ उन्होंने अपनी तरफ से बहुत साहिबान ठाने, सारे मुल्क में अहमदियों को इस बारिश फजलों की बारिश से महरूम करने की कोशिश की, लेकिन जमात गवाह है कि ये फजल कई कई तरीक़ से नाजिल होते रहे और होते चले जा रहे हैं और इतना गैर मामूली खुदा ताला ने अपने फजल और रहम के साथ जमात के इखलास को बढ़ाया, उसके ईमान को बढ़ाया, उसके नेक आमाल की ताकत को बढ़ाया, उसकी वफा को सबात कदम अता फरमाया और नए हौसले दिए और एक ऐसी अजीम मज़हब की तारीख कायम करने की तौफीक अता फरमाई जिसकी कुर्बानियाँ हमेशा क़यामत तक के लिए कुर्बानियों के आसमान पर रोशन सितारों की तरह चमकती रहेंगी। एक नया कुर्बानियों का आसमान तामीर किया गया है इस दौर में। अगर आप गौर करें और पुराने मज़ाहिब की तारीख से मुवाज़ना करके देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस थोड़े से अरसे में अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया को अपने फजल के साथ कितनी अजीम शान तारीखी कुर्बानियों की तौफीक अता फरमाई है, कितने वसी पैमाने पर कुर्बानियों की तौफीक अता फरमाई है और कितने हौसले और सब्र और ज़ब्त और वफा के साथ इन कुर्बानियों पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाई है। ये जो पहलू है ये बाद की दुनिया ज़्यादा शान और वजाहत के साथ देख सकेगी। जिस दौर में तारीख बन रही हो वहाँ इस कदर वजाहत के साथ ये बातें दिखाई नहीं दिया करती, क्योंकि हम इन तकलीफ़ों में मुलव्वस हो चुके हैं और इन तकलीफ़ों की लज्जत भी महसूस कर रहे हैं। दुख के साथ साथ लज्जत का पहलू भी मुसलसल जारी है, इसलिए हम जो इस दौर में इस वक्त मुलव्वस हैं उन खिलाड़ियों की तरह जो खेल में मसरूफ़ हों वो सारे खेल के मजमू नज़ारे को उस तरह नहीं देख सकते जिस तरह बाहर के बैठे हुए तमाशाई देख सकते हैं। तो ये तारीख के तमाशाई बाद में आया करते हैं, वो जब मुड़ कर देखेंगे और जमात अहमदिया के इस दौर पर नज़र करेंगे तो हैरत के साथ देखेंगे कि ये कैसी जमात थी, कैसे लोग थे, कैसे सब्र आजमा मुश्किल वक्तों में खुदा ताला ने इनको सबात कदम की तौफीक बख्शी और कितने वसी पैमाने पर इतने भारी इब्तला और इतने भारी तशद्दुद और दबाव के बावजूद अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाई है। तो वो यकीनन इस दौर को मज़हब की दुनिया में एक अजीम शान दौर के तौर पर शुमार किया करेंगे और ये अमर वाक़िया भी है। तो मैंने ये कहा उनसे कि तुम लोग क्या कोशिश कर रहे हो, कभी खुदा के फजलों की बारिश को भी किसी ने रोका है? नामुमकिन बात है। और ये बारिश अगर पाकिस्तान तक महदूद रहती तो फिर भी उनकी दखल अंदाजी के नतीजे में हम कहीं कहीं रखने पैदा होते देख लेते, बाद छतों के नीचे खुश्की दिखाई देती, बाद साहिबानों के नतीजे हम नीचे समझते कि पानी का असर नहीं पहुँचा, मगर खुदा ने तो इस बारिश को एक आलमी बारिश बना दिया। तमाम दुनिया में इस जोर के साथ ये बिरखा बरसती है और इस शान के साथ बरसती चली जा रही है कि अखलें दंग रह जाती हैं, कहाँ इनकी ताकत है, कहाँ इनकी मजाल है।
कहाँ इनके अंदर ये इस्तेतात है कि दुनिया के किसी मुल्क में जाकर जमात अहमदिया की तरक्की को रोक सकें। और जिस तेज़ी से ये तरक्यात अपनी रफ्तार में बढ़ रही हैं वो एक हैरत अंगेज़ नज़ारा है। बाज़ खुशखबरियाँ ऐसी हैं जो इंशाल्लाह मैं बाद में आपको बताऊँगा, जो इस वक्त अपनी तख्लीक के मराहिल में है और बहुत ही अजीम शान खुदा ताला की तरफ से आइंदा के लिए खुशखबरियों के आसार ज़ाहिर हो चुके हैं और बुनियादें कायम हो रही हैं। जो कुछ जलसा सालाना तक हो चुका था उसके कुछ नज़ारे आपने देखे और कुछ बाद में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में वीडियो के ज़रिए दिखाए गए, उनको देखने के बाद इस कसरत से ख़त मिल रहे हैं कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जमात अहमदिया को खुदा ताला ने कितनी तरक्की अता फरमा दी है और किस तेज़ी से तरक्की अता फरमाता चला जा रहा है। बाद लोगों ने लिखा कि सारी वीडियो हमने रोते रोते देखी और ये सारे खुशी के और तशक्कुर के आंसू थे। कहते हम खोलते थे घर वाले और लंबा अरसा था, बार बार देखनी पड़ती थी और हमारे आंसू रवां हो जाते थे और हम खुदा के हुजूर शुक्र के सजदे बजा लाते थे, क्या खुदा तूने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है और कितनी अजीम शान फतूहात के आगाज़ फरमा दिए हैं। अभी तो दरवाजे खुले हैं, अभी तो नए ईवान हमारे सामने आए हैं, अभी तो अल्लाह ताला के फजल से इस अगली सदी में इन नए तरक्की के रास्तों पर चलकर हमने बहुत सी फतूहात हासिल करनी है और अब सदियों के हिसाब से नहीं सालों के लिहाज से सफ़र तय होने वाले हैं। ऐसे सफ़र सालों में तय होंगे जो कौमें सदियों में तय किया करती हैं। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा की तरफ से जो भी खुशखबरी मिलती है वो ज़रूर पूरी होकर रहती है, कोई दुनिया की ताकत उसकी राह में हायल नहीं हो सकती और ये खुशखबरियां पाकिस्तान के हक़ में भी ज़रूर जमात अहमदिया को पूरी होती देखेगी, यानी अपने हक़ में जब पाकिस्तान में पूरी होती देखेगी और जो चाहे दुनिया ज़ोर लगा ले खुदा की इस तकदीर को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, हरगिज़ नहीं बदल सकते। जहाँ तक पाकिस्तान में जमात अहमदिया की माली कुर्बानी का ताल्लुक है, वो जैसा कि मैंने पहले भी बारहा बयान किया है, हर पहलू से हर मुश्किल दौर में हमेशा कदम आगे बढ़ा है। एक भी साल ऐसा नहीं आया जिसके मुतल्लिक हम कह सकें कि किसी शिक्के के लिहाज से पाकिस्तान की जमात ने माली कुर्बानी में पीछे कदम उठाया हो या उसके कदम रुक गए हों, बल्कि तरक्की की रफ्तार भी हमेशा अल्लाह के फजल और रहम के साथ आगे बढ़ती चली गई है। तहरीक जदीद के नुक्ते निगाह से भी खुदा के फजल से अब तक पाकिस्तान दुनिया भर में कुर्बानी के मैदान में सफ़े अव्वल में है, सफ़े अव्वल में पहला है। और जहाँ तक तादाद का ताल्लुक है, चंदा दहिंदगान की तादाद के लिहाज से, उसमें भी खुदा के फजल से सारी दुनिया में पहला है और पाकिस्तान के चंदा दहिंदगान की तादाद ये साल जो गुज़रा है इसमें 78,000 हो चुकी थी और बाकी सारी दुनिया में तहरीक जदीद में हिस्से लेने वालों की तादाद 78,000 अभी तक नहीं हुई। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मुश्किलात और इब्तलाओं के दौर हैं ये पाकिस्तान में जमात अहमदिया की कमर तोड़ने की बजाय उसे और मजबूत कर गए हैं और गैर मामूली तौर पर खुदा की खातिर कुर्बानी करने का जज्बा जमात में पैदा हो चुका है। एक कनाडा के मशहूर मुस्तशरिक पाकिस्तान तशरीफ ले गए थे कुछ साल डेढ़ साल पहले और अब उन्होंने किताब शाया की है, इसी मौजू पे किताब लिखी है जिसका तर्जमा ये है कि तर्जमा उन्वान का कोर्शन एंड कॉन्शंस गालबन उसका उन्वान है कि इंसानी ज़मीर और जबर व तशद्दुद। और ये किताब उन्होंने जमात अहमदिया के मुतल्लिक लिखी है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है इनके साथ और इनका क्या रद्द अमल है। उस किताब में उन्होंने ये दोनों बातें बयान की हैं जो मैंने
आपके सामने रखी हैं, अपने रंग में उन्होंने पेश की हैं। एक ये कि कुर्बानी के दौर में जमात अहमदिया किसी पहलू से भी मैदान से पीछे नहीं हटी और उनके अंदर नए आज़म पैदा होते चले जा रहे हैं। और दूसरा ये कि कुर्बानी करने वालों को ऐसा मज़ा आता है कुर्बानी का कि मैंने जेलों में जाकर बड़े बड़े बूढ़ों के साथ भी बातचीत की, जवानों से भी बात की, और मैं ये देख के हैरान होता था कि उनको लज्जत किस बात की आ रही है। वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि ये खुदा की खातिर कुर्बानी की का मज़ा है, लेकिन जो कुछ उन्होंने समझा उसके बावजूद ये उसको पूरी तरह बयान नहीं कर सके अपनी किताब में। ताज्जुब का बयान कर दिया है, लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसकी वो लज्जत महसूस करते थे इसको वो पूरी तरह नहीं समझ सके। और दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि कुर्बानी के हर मैदान में जमात आगे बढ़ रही है और दुश्मन इस पहलू से इस जमात को ना शिकस्त देने में बिल्कुल नाकाम और नामुराद रहा है। कोई एक पहलू भी नहीं है जिससे जिसमें जमात अहमदिया ने अपना कदम पीछे हटा लिया हो। बस इस पहलू से ये पाकिस्तान में जो जमात अहमदिया की कुर्बानियों की अजीमुत्तान तारीफ बन रही है, ये बहुत बड़ी सआदत है। और उसी सआदत का ये एक फल है जो बैरूनी दुनिया में भी हम कसरत के साथ खुदा के फजलों की बारिश नाजिल होते देखते हैं। अब जहाँ तक मुख्तलिफ पहलुओं से तहरीक जदीद का जायज़ा लेने का ताल्लुक है, इसके बयान से पहले मैं आपको मुख्तसरन ये बता देना चाहता हूँ कि दौरे अव्वल का ये 56वां साल है जो अब शुरू हो रहा है, यानी आज से 55 साल पहले इस तहरीक का हज़रत मुसलह मऊद ने आगाज़ फरमाया था। और इसमें दफ्तर अव्वल यानी पहले लोग जो इसमें शामिल हुए थे उनका ये 56वां साल गुजर रहा है, यानी 55 साल गुजर रहा है और 56वां चढ़ने वाला है। दफ्तर दोम जो बाद में कायम किया गया उसका ये 46वां साल है और दफ्तर सोम का 25वां और दफ्तर चहारम का 5वां साल है। इस ज़मन में जो आदाद व शुमार मैं आपके सामने पेश करूँगा उसके मुतल्लिक ये याद रखें कि ये आदाद व शुमार हर लिहाज से मुकम्मल नहीं है, यानी जो इत्तलात वसूली की या तादाद की मिल चुकी हैं उनके लिहाज से दुरुस्त तो हैं, यानी उनसे कम तादाद नहीं और उनसे कम वसूली नहीं, लेकिन ज़्यादा के मुतल्लिक हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सी जमातें आखिरी रिपोर्ट भिजवाने में देर कर देती हैं और कुछ उनको ये भी उज़र है कि अभी वसूली के लिए 3 माह बाकी हैं, इसलिए 100% इतला अब तक के लिए नहीं दी जा सकती, ये दुरुस्त है। लेकिन जो इतला दी जा सकती है उसमें भी सुस्ती दिखाई जाती है। इस वजह से आदाद व शुमार अपनी आखिरी कती सूरत में आपके सामने पेश नहीं किए जा सकते। मजमूई तौर पर ये मैं आपको एक मुआवजना बता देता हूँ कि 1987-88 में जो वसूली की इतला हमें मिली थी वो 4,50,341 पाउंड थी, यानी इस वक्त जो गुज़श्ता साल वसूली की इतला थी उसकी रूह से 4,50,341 पाउंड या इसके मुतबादिल दूसरी करेंसीज में रकमें मिल चुकी थी। और 88-89 में अल्लाह ताला के फजल के साथ ये वसूली बढ़कर 7,50,899 हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 50% या 40-50 के दरमियान इतने फ़ीसद खुदा के फजल से सिर्फ तहरीक जदीद में इजाफा हुआ है। और ये एक गैर मामूली इजाफा है क्योंकि ये साल जमात के ऊपर बहुत ज़्यादा माली दबाव का साल था। इस साल तमाम दुनिया में ये कोशिश की गई थी कि 7 साल जुबली के जो वादे बकाया रह गए हैं वो पूरे किए जाएं और बहुत ज़्यादा ज़ोर था इस तरफ। इस ज़मन में वादों के अलावा भी दीगर अखराजात उठ रहे थे, बहुत से सफ़र करने पड़े अहबाब जमात को 7 साल जुबली के जश्न मनाने के सिलसिले में, कामों के सिलसिले में बहुत से वक्त देने पड़े।
और कई पहलुओं से वक्त की कुर्बानी, माली कुर्बानी भी बनती रही, लेकिन इसके बावजूद ये इजाफा बताता है कि खुदा के फजल से इस साल को खुदा ताला ने तहरीक जदीद में भी एक संग मील बना दिया है और गैर मामूली इजाफा बता रहा है कि इंशाल्लाह आइंदा सदी में इसी तरह हमेशा गैर मामूली इजाफे होते चले जाएंगे। मैंने इजाफा गलती से कम बताया था, ये लिखने वाले ने जो लिखा है उन्होंने लिखा है कि 60% इजाफा बनता है। सात की का जो 7,50,000 बटा 4,50,000 किया जाए उस पहलू से मैंने तखमीना बनाया था, लेकिन अगर 4,50,000 के ऊपर ये जमा किया जाए 3,00,000 तो ठीक है 60% इजाफा बनेगा। मुख्तलिफ पहलुओं से जो ममालिक की दौड़ है उसका जिक्र करने से पहले ये भी बता दूं कि अक्सर अफ्रीकन ममालिक को मैंने इसमें शुमार नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अफ्रीका में इस वक्त अक्सर ममालिक में शदीद इक्तसादी बहरान है और गुज़श्ता 2-3 साल से मेरी ये कोशिश है कि अफ्रीका के ममालिक चंदे के निज़ाम में यानी लाजमी चंदे के निज़ाम में तमाम दुनिया के की जमातों के मुताबिक उसी तरीक को इख्तियार कर लें जो बाकी जमातों में किया जा रहा है। इससे पहले अफ्रीका में ये तरीक था कि इज्तमात के मौके पर सेक्रीफाइस के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर चंदे का ऐलान किया जाता था और बग़ैर किसी हिसाब के जिसने जो चाहा दे दिया और वो चादरें इकट्ठी करके जो भी रुपया बना वो जमात का सालाना चंदा बन जाया करता था। तो गुज़श्ता सफ़र में पहले भी मैं उनको लिखता रहा लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। गुज़श्ता सफ़र में ख़ुसूसियत से मैंने इस बात की ताकीद की कि ये नहीं चलेगा। अफ्रीका की जमात सारी दुनिया की जमात का एक हिस्सा है और वही रस्में यहाँ चलेंगी जो बाकी दुनिया की जमातों में चलती हैं। हमने तमाम दुनिया को एक वहदत अता करनी है ज़ाहरी लिहाज से भी और इस पहलू से एक जैसी अदाएँ, एक जैसी रस्में, एक जैसे रिवाज सब दुनिया में कायम करने ज़रूरी हैं। चुनाचे वो बाकायदा अब निज़ाम, माली निज़ाम जिस तरह आपके यहाँ या दूसरी जमातों में कायम है उसी तरह अफ्रीका में कायम किया जा रहा है और इसकी राह में बहुत सी दिक्कतें हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक ये निज़ाम पूरी तरह मजबूती के साथ रासिख ना हो जाए उस वक्त तक दूसरे तौई चंदों की तरफ वैसी तवज्जो ना की जाए। एक दफ़ा अल्लाह ताला के फजल से ये रीढ़ की हड्डी कायम हो गई तो इसके ऊपर फिर गोश्त पोस्त भी और दीगर अज़ाब भी बड़ी उम्दगी के साथ कायम होने शुरू बनने शुरू हो जाएंगे। चुनाचे अफ्रीका की तरफ से जो इतलात हैं वो इत्तेफाकी कुर्बानियों के नतीजे में है, इत्तेफाकी या इनफरादी कहना चाहिए। बाज़ ऐसे ऐसे मुखलिसीन अफ्रीका में मौजूद हैं जो जमात उनको ताकीद करे या ना करे ख़ुद पता करके कि कौन सी तहरीकात हैं वो ज़रूर उसमें चंदे देते हैं और इस पहलू से यानी इनफरादी कुर्बानी के की अजीम शान मिसालों के लिहाज से अफ्रीका दुनिया के किसी और मुल्क से पीछे, किसी और खत्ते से पीछे नहीं है। और मैं जब दौरे पे गया हूँ तो बाज़ कुर्बानी के नमूने देखकर मैं हैरान रह गया कि किस तरह इन गरीब ममालिक में जहाँ शदीद इक्तसादी बहरान है इनफरादी तौर पर ऐसी ऐसी अजीम शान कुर्बानी की मिसालें हैं कि वो दुनिया के किसी मुल्क के लिए भी काबिल रश करार देनी चाहिए, करार पानी चाहिए। बहरहाल अफ्रीका के अदाद व शुमार इस पर शामिल नहीं हैं। तादाद चंदा दहिंदगान के लिहाज से पाकिस्तान को खुदा के फजल से सब पर फौकियत हासिल है और 78,000 चंदा दहिंदगान की तादाद हो चुकी है। इंडोनेशिया में भी अब तादाद के में इजाफे की तरफ रुझान है और 8,040 इंडोनेशिया के चंदा दहिंदगान की तादाद है। तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है जिसमें खुदा के फजल से 3,268 अफराद शामिल हो चुके हैं। चौथे नंबर पर बरतानिया है जहां 2,080, पाँचवें पर बांग्लादेश जहां 1,775 और छठे नंबर पर कनाडा जहां 1,535।
और सातवें नंबर मॉरिशस जहां 925 चंदा जिंदगान तहरीक जदीद में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका मॉरिशस के बाद 5 की तादाद से पीछे रह गया है, यहां कुल तादाद 920 है, लेकिन मेरा अंदाज़ा यह है कि ये फर्जी तादाद है। इसी तरह बांग्लादेश की तादाद भी मुझे फर्जी लगती है और बरतानिया की तादाद भी फर्जी दिखाई दे रही है। फर्जी इसलिए कि गुज़श्ता साल भी यही तादाद दिखाई गई थी और ये नामुमकिन है कि बैन ही उतनी तादाद में लोग हिस्सा लें, क्योंकि एक बार दफ़ा गिर जाती है तादाद, कुछ लोग मुल्क छोड़ जाते हैं, कुछ वफात पा जाते हैं, कुछ नए बच्चे शामिल होते हैं, नए लोग शामिल होते हैं, इसलिए कम होना तो किसी सूरत तरह बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर बैन ही उतनी तादाद ये साफ जाहिर करता है कि एक फर्जी बात है। जो तहरीक जदीद का सेक्रेटरी था उसने गुज़श्ता रिकॉर्ड देखकर वही तादाद दोबारा लिख दी है। तो ये जो तादाद है अमेरिका की, ये 920 भी फर्जी है और बांग्लादेश की भी और बरतानिया की भी। फिजी 542 नवें नंबर पर है, नॉर्वे 360 दसवें नंबर पर, डेनमार्क 250 ग्यारहवें और स्वीडन 238 बारहवें नंबर पर है। ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देने वाले ममालिक में पाकिस्तान खुदा के फ़ज़ल से हमेशा की तरह सफ़े अव्वल में है, सफ़े अव्वल का पहला है, और दूसरे नंबर पर अब जर्मनी आगे आ चुका है और बाकी सब मगरबी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। यहाँ अल्लाह ताला के फजल से गुज़श्ता साल की वसूली 104,066 पाउंड थी, और चूंकि जर्मनी में जो नौजवान हैं वो उनको माली हालत गैर मामूली तौर पर अच्छी नहीं और अपने दूसरे चंदों में भी माशाल्लाह बहुत बाकायदा हैं, इसलिए ये एक गैर मामूली सआदत नसीब हुई है जर्मनी को, जो ख़ास तौर पर इस बात की मुस्तहिक है कि हम उनके लिए और भी दुआएं करें। बरतानिया तीसरे नंबर पर है जहां 81,202 वसूली हुई, अगरचे उनका वादा 80,000 का था लेकिन खुदा के फ़ज़ल से 1,202 जायद देने की तौफीक मिली। अमेरिका चौथे नंबर पर है जहां 65,625 पाउंड के लगभग अमेरिकन डॉलर यानी कि मुतबादल अमेरिकन डॉलर अदा करने की तौफीक मिली। कनाडा को 42,816 पाउंड्स के मुतबादल डॉलर अदा करने की तौफीक अता हुई, और इंडोनेशिया को 34,303। इंडोनेशिया भी ख़ास तौर पर मुबारकबाद का मुस्तहिक है क्योंकि वहाँ की इक़्तिसादी हालत भी काफ़ी ख़राब है और लाखों रुपए के चंद पाउंड बनते हैं, तो इसलिए इंडोनेशिया की जो माली कुर्बानी का मेयार है वो खुदा के फ़ज़ल से काबिले तारीफ और इस लायक है कि उनको भी खुसूसी दुआ में याद रखा जाए। पर कैपिटा चंदा दहिंदा के इनकम के चंदे के लिहाज से यानी फी चंदा दहिंदा कितना चंदा किसी मुल्क के तहरीक-ए- जदीद के मुजाहिद ने अदा किया, अमेरिका नंबर एक है। गुज़श्ता साल उनकी औसत 64 पाउंड 55 पेंस बनती थी फी चंदा दहिंदा, इन साल 71 पाउंड और 33 पेंस बनती है, लेकिन चूंकि उनकी तादाद में कोई नुमाया इजाफा नहीं हुआ इसलिए इनकी निस्बत गिरी नहीं है, लेकिन ऐसे ममालिक जिन्होंने तादाद बढ़ाने की कोशिश की है इस पहलू से उनकी अगरचे उनका चंदा बड़ा है लेकिन फिर भी निस्बत कम हो गई है। हॉलैंड नंबर दो पे आता है और इस लिहाज से ताजुब अंगेज है, 32 पाउंड 88 पेंस इनका गुज़श्ता साल की औसत फी चंदा दहिंदा थी, इन साल 42 पाउंड 10 पेंस हो गई है। और स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पर है, गुज़श्ता साल 27 पाउंड 85 पेंस फी चंदा दहिंदा औसत थी और इन साल
42 तक पहुंचे हैं, 10 पेंस फिर भी पीछे रह गए हैं हॉलैंड से। बरतानिया गुज़श्ता साल 35 पाउंड 57 पेंस थी, इस साल 39 पाउंड हुई है, लेकिन चूंकि ये तादाद फर्जी है इसलिए हम नहीं कह सकते कि वाकईतन फी औसतन इन्होंने कुछ इजाफा किया है या नहीं। अगर तादाद में इजाफा हुआ था तो यह औसत गिर गई होगी। ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट भी दुरुस्त नहीं लगती क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जहां इम साल पिछले साल की नस्बत निसब वसूली दिखाई गई है। तकरीबन पिछले साल 32 पाउंड 42 पेंस के हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर अदा किए थे, इम साल 17 पाउंड 71 पेंस के लिहाज से। तो ये तो नाकाबले फहम है, ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में किसी जगह भी जमात अहमदिया आगे तरक्की कदम बढ़ाने की बजाय गिर जाए या इतना गिर जाए कि निस्व के करीब पहुंच जाए, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए लाजमन इस रिपोर्ट में कोई गलती है। मगरबी जर्मनी फी कस चंदा दहिंदा के लिहाज से छठे नंबर पर है, पिछले साल 32 पाउंड 61 पेंस थी, इस साल 31 पाउंड 84 पेंस फी चंदा दहिंदा इनकी कुर्बानी है। ये बज़ाहिर छठे नंबर पर है लेकिन अमलन ये खुदा के फजल से आगे शुमार होना चाहिए क्योंकि जर्मनी के अहमदियों की फीकस आमद बाकी जो ममालिक मैंने जिनकी फहरिस्त पढ़ी है उनके मुकाबले पर कम है। उस पहलू से भी खुदा के फजल से इनको एक अव्वल फौकियत नसीब हुई है, और एक और पहलू से कि इन्होंने तादाद में नुमाया इजाफा किया था पिछले साल से। तो जब तादाद में इजाफे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल कर लिए जाते हैं और उनमें फी चंदा दहिंदा चंदा ज़्यादा नहीं बढ़ता लेकिन तादाद बढ़ती है और औसत कम हो जाया करती है। तो इसके बावजूद अल्लाह के फजल से इनको एक खासी अच्छी रकम फी चंदा दहिंदा अता करने की तौफीक मिली। कैनेडा 7वें नंबर पर आता है और यहाँ भी चूंकि तादाद बढ़ाने पर जोर दिया गया था, अगर छः चंदा बढ़ गया है लेकिन औसत कम हो गई और 30 पाउंड फी कस से गिरकर 27.99 हो गई। स्वीडन 8वें नंबर पर है जहां 25.73 से गिरकर 20.52 हो गई है। इन साल तादाद में कोई ऐसा इजाफा नहीं है जिसकी वजह से इसका जवाब हो, मालूम होता है सख्ती तहरीक ने नुमाया काम नहीं किया। डेनमार्क 20.71 से बढ़कर 22.90 ये 9वें नंबर पर है, और नॉर्वे 17.71 था, इस साल 17.37 है, लेकिन चूंकि तादाद में इजाफा हुआ है इसलिए ये काबिल फहम है और यकीनन अच्छी कोशिश है। बस मजमूई तौर पर जो अमूमी मुकाबला देखा जाए इजाफा के लिहाज से तो नंबर एक जर्मनी है जिसने गुज़श्ता साल के मुकाबले पर सबसे ज़्यादा इजाफा दिखाया है, नंबर दो कैनेडा है और नंबर तीन अमेरिका है। अब तक कैनेडा ने नए साल का एक जो वादा किया है वो 1,00,000 कैनेडियन डॉलर का वादा है। यूके ने नए साल का वादा 80,000 से बढ़ाकर 90,000 पाउंड कर दिया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बाकी सब जमातों की तरफ से जब वादे वसूल होंगे तो ये जो गैर मामूली तरक्की का रुझान है ये इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। आखिर पर मैं एक अमूमी तबसरा इस रिपोर्ट पर करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक जमाती निज़ाम से है। मेरा ये तजर्बा है कि जमाती निज़ाम की जो शाख मुस्तैद हो उसी जमात में वो बेहतर नतायज पैदा कर देती है। एक अच्छा सेक्रेटरी तहरीक जदीद आ जाए तो बाकी जमात के हालात वैसे ही रहें तब भी वो तहरीक जदीद की कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हो जाता है। एक अच्छा सेक्रेटरी वक्फ जदीद आए तो यही बात वहाँ ज़ाहिर होती है। अगरचे हम मुकाबला तो करते हैं लेकिन बिलअमूम मैंने देखा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो जमात पैदा की है ये ज़मीन के लिहाज से हर जगह ज़रखेज़ है।
दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएं, वहां जरखेज जमात ही मिलेगी। अगर पैदावार में फर्क पड़ता है तो वो किसान की काबिलियत और काम करने वाले की काबिलियत का मजर होता है। बस ये बात याद रखें कि आगे पीछे दौड़ में तो ज़रूर कुछ लोग आगे निकलेंगे, कुछ पीछे रहेंगे, लेकिन बाज़ लोगों का पीछे रह जाना ऐन मुमकिन है कि उनकी अपनी सुस्ती और गफलत की वजह से हो, जमात के अमूमी इखलास की कमी का मज़हर ना हो, और मुझे यकीन है कि ये ऐसी सूरत है। इस ज़मन में एक दो बातें ख़ास तौर पर मैं आपके सामने रखनी चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो उमरा जो इस बात के आदि हों कि जब तक वो तवज्जो दें उस वक्त तक वो काम होते रहें, और जब उनकी नज़र दूसरी तरफ हो तो काम होने बंद हो जाएं, उनके यहाँ जमातों में मुतवाज़न तरक्की नहीं होती। बाज़ उमरा अपना वक्त रखते हैं कि ये इतना हिस्सा मैं फलां काम पर दूंगा, और सबको उस काम की तरफ मायल कर देते हैं, और फिर वो वक्त देते हैं दूसरे काम के लिए, फिर तीसरे काम के लिए, और जमात के काम इतने बढ़ चुके हैं कि उनकी तवज्जो हर तरफ हो नहीं सकती, और साल में किसी न किसी पहलू से कोई ना कोई काम किश्ने तकमील रह जाता है। असूल ये है कि अमीर अपने मतहत तमाम शोबों को हमेशा बेदार रखे और तरबियत दे काम करने वालों को कि वो अमीर की तवज्जो के बग़ैर भी अपने पाँव पर खड़े होकर अपने ज़मीर की रोशनी से काम करने की आदत डालें और हमेशा अपना मुहासबा खुद करते रहें। ऐसे मुंतज़मीन अल्लाह ताला के फजल के साथ हमेशा अच्छे नतायज ज़ाहिर करते हैं, जो अपने पाँव पर खड़े हों, अपने आप को ज़िम्मेदार समझें, वो ये समझ रहे हों कि सारा बोझ हम पर है, हम जवाब दें हैं खुदा के सामने। बस ख़ता नज़र इसके कि उनको याद दहानी कराई जाती है या नहीं, वो हमेशा मुस्तैद होकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसी जमातें जिनमें ये निज़ाम जारी हैं, वो अल्लाह के फजल से सब शोबों में मुतवाजन काम कर रही हैं। पाकिस्तान में कराची की एक मिसाल है खुदा के फजल और रहम के साथ। गुज़श्ता दसियों साल से मुसलसल पूरे इस्तिक़लाल और सबात क़दम के साथ हर शोबे में मुतवाजन काम हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि निज़ाम जमात को जिस तरह नाफिज करना चाहिए था उस तरह खुदा के फजल से वहाँ के उमरा को यके बाद दीगरे ये तौफीक मिली कि वो नाफिज करते चले जाएं और अमूमी निगरानी रखें। ये मज़मून हमें कुरान करीम सिखाता है, और कुरान की रोशनी में मैं इसको मज़ीद वाज़े करना चाहता हूँ। खुदा ताला फरमाता है कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा भी किया और ठीक ठाक भी कर दिया, और उसके बाद 7वें दिन हम अर्श पर इस्तवा कर गए, हम अर्श पर करार पकड़ गए। अब जहाँ तक आराम का ताल्लुक है खुदा के लिए, तो आराम का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो एक अनथक वजूद है। इसलिए इसमें क्या पैगाम है हमारे लिए? पैगाम हमारे लिए ये है कि जब एक अच्छा मुंतज़िम निज़ाम के हर पहलू को दुरुस्त करके जारी कर देता है, तो उसके बाद उसका वो एक बुलंद हैसियत इख्तियार कर जाता है, वो उन सब बातों पर फिर एक आफाकी नज़र डाल रहा होता है, और हर चीज़ की सतह पर नीचे उतर के फिर उसको दखल देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अर्श पर बुलंद होना या अर्श पर इस्तवा पकड़ना ये मफहूम रखता है कि खुदा अपनी तख्लीक में एक कामिल निज़ाम पैदा करता है, और जब वो निज़ाम जारी कर देता है तो उसकी नोक पलक दुरुस्त करके उसको इस तरह चला देता है कि फिर वो जारी और सारी हो जाता है। और अल्लाह ताला को फिर ये जिस तरह इंसानी सतह पर हम सोचें तो भागने दौड़ने की फिर ज़रूरत कोई नहीं कि ओहो फलां शोबा ख़त्म हो रहा है, फलां जगह ये नक्श पड़ रहा है, फलां जगह ये काम हो रहा है। वो सारा निज़ाम अपनी रात में ठीक ठाक दुरुस्त होकर जारी और सारी हो जाता है, और कोई शोर उसका सुनाई नहीं देता। ये बेहतरीन निज़ाम की तस्वीर है जो खुदा ताला ने कुरान करीम में खींची है। वो उमरा जो अपने मतहत शोबों को
शुरू में मेहनत करके और तवज्जो करके अपने पांव पर खड़ा कर देते हैं और जारी और सारी कर देते हैं, उसके बाद वो फिर अपनी तवज्जो मुंतकिल करते हैं एक और शोबे की तरफ, फिर एक और शोबे की तरफ, फिर एक और शोबे की तरफ, और फिर रास्ता रास्ता जब सब निज़ाम दुरुस्त हो जाता है तो उनको भी खुदा ताला की तरह एक अर्श नसीब होता है और वो दुनिया की सतह से बुलंद सतह का एक अर्श होता है और वो अपनी जमात में एक ऐसी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं जिस तरह ख़ानदान का एक बुज़ुर्ग जिसके बच्चे उसके लिए काम कर रहे हों और बज़ाहिर वो बीच में कामों में मुलव्वस ना हो, उनसे ऊपर बालाई सतह पर बैठा नज़ारा कर रहा हो, लेकिन दर हकीकत ये उसकी उम्र भर की मेहनत, उसका सलीका, उसकी अकल ही हैं जो औलाद में इस किस्म के काम की हिम्मत और काम और काम का सलीका अता करते हैं। आप भी यानी बहसियत उमरा इस तरह काम करें। तहरीके जदीद का शोबा मसलन है, मैंने गुज़श्ता चंद सालों से ख़ास तौर पर ये मुशाहदा किया है कि आखिरी वक्त तक रिपोर्टें नहीं आ रही होती, जब उनको याद दहानी शुरू करवाई जाती है तो गुज़श्ता यानी तकरीबन दो महीने ये खुतबे से पहले मैं तवज्जो दिलानी शुरू कर देता हूँ और उसके बावजूद वक्त पर रिपोर्टें नहीं पहुँचती। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तवज्जो नहीं करते, क्योंकि जमात में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बड़ी अताअत की रूह है, वो तवज्जो ज़रा देर से शुरू करते हैं, जब तक उनको जगाया ना जाए, होश ना दिलाई जाए, उनको पता नहीं लगता कि हमने क्या करना था और फिर शर्म माने हो जाती है। बाद जगह वो रिपोर्टें पी ही जाते हैं कि खामोशी इख्तियार कर जो है ही कुछ नहीं बयान करने के लिए, बाद जगह वो देर से काम शुरू करके वक्त के ऊपर ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कुछ तो अफरा तफरी में भेज देते हैं रिपोर्ट और कुछ वो बाद में भेजते हैं, और फिर ये भी होता है कि आपने तो जल्दी डाली हुई थी, अब हम क्या करें, पूरी रिपोर्ट नहीं बन सकती सही, क्योंकि सारा कसूर याद न लाने वाले का था कि क्यों उसने जल्दी डाली कि जल्दी करो जल्दी करो, अब रिपोर्ट में रखना रह गया तो हम क्या कर सकते हैं। उनकी मिसाल वही उस किस्से वाली है कि एक शख्स के यहाँ कोई मेहमान आया तो उसने अपने नौकर से कहा कि खाने का वक्त हो गया है दोपहर का, तो तुम भाग कर दो आने की दही ले आओ, क्योंकि इस वक्त हमारे घर में और कोई चीज़ें नहीं हैं, तो दही के साथ ज़रा थोड़ा सा एक नया जायका पैदा हो जाएगा लेकिन ज़रा जल्दी करना। उसने कहा हुज़ूर मैं उसमें अभी आया। खैर वो चला गया, वहाँ जाके दही वाले के पास खड़ा हुआ, कुछ बातें शुरू हो गई, वो भूल ही गया कि मैं किस लिए आया था। काफ़ी देर हो गई उसको, और जब उसको याद आया तो पता लगा कि खाने का वक्त तो गुजर चुका है, तो उसने कहा फिर आज जाते ही नहीं, कल जाएंगे दोपहर को जब खाने का वक्त होगा। चुनाचे उसने अंदाज़ा लगाया कि अब खाने का वक्त होगा, मालिक बैठने वाला होगा, उसने दो अन्ने की दही ली और प्लेट लेके भागा भागा, जब कमरे में दाखिल हो रहा था तो ठोकर लगी और ज़मीन पर जा पड़ा और दही भी गिर गई, तो मालिक को मुखातिब करके उसने कहा तुम्हारी कालियाँ ने मारा, तुम्हारी जल्दी ने मरवा दिया हमें, ना तुम जल्दी करते ना मैं गिरता ना ये दही ज़ाया होती। तो एक दिन बाद भी अभी वो जल्दी थी, तो ऐसे तहरीक जदीद के सेक्रेटरी जो अफरा तफरी में लिखते हैं कि आपने क्या मुश्किल डाली हुई है, इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते, अब खाम रिपोर्ट है तो खाम ही सही, उनकी ऐसी मिसाल है, लेकिन उनको अगले साल भी होश नहीं आती, ये सिर्फ फ़र्क है। वो एक दिन बाद ही सही, अगले साल ही अगर वक्त के ऊपर रिपोर्ट भेज दें तो मैं समझूंगा उनकी इनसे मिलती जुलती कुछ मिसाल थी, लेकिन उठते ही नहीं हैं। इसलिए उमरा का फ़र्ज है कि आज से उनको जगाएं, आज से उनको काम का सलीका सिखाएं, आज से उनकी निगरानी शुरू करें, उनको बताएं कि तुमने आइंदा साल फलां वक्त से एक महीना पहले रिपोर्ट तैयार करके मुझे पकड़ानी है और उसमें लिखना है कि ये अदाद शुमार अब तक रूनुमा हो चुके हैं और इनके रूनुमा होने की तवक्को है, और फिर आखिरी वक्त में फिर टेलीग्राम के ज़रिए फैक्सेस के ज़रिए आखिरी हंगामी इतला पहुँचाई जा सकती है कि इन अदाद शुमार को दुरुस्त कर लो, ये बातें बाद में पैदा हुई हैं। तो इस पहलू से जमात को बहुत ज़रूरत है कि अपने निज़ाम में तवाज़ुन पैदा करें। बहुत सी जमातें बहुत अच्छे काम कर रही हैं बाद शोबों में,
लेकिन तवाज़ुन ना होने की वजह से बाद शोबों में वो पीछे रह जाती हैं। दूसरी बात ये बयान करने वाली है कि बारहा मैं तवज्जो दिलाता हूँ लेकिन मालूम होता है लोग भूल जाते हैं। दुआ का मज़मून ऐसा है जो सारी इंसानी ज़िंदगी की दिलचस्पियों पर हावी है, और अमूमी दुआएं नहीं बल्कि ख़ास मामलात के मुतल्लिक ख़ास तवज्जो से दुआ करना ज़रूरी हुआ करता है और उसके नतीजे में उसमें बरकत मिलती है। इसलिए उमरा महज निज़ाम के खुश्क निगरान न बने बल्कि एक ज़िंदा निज़ाम के ज़िंदा निगरान बने, और रूहानी लिहाज से उनका दुआ गो होना ज़रूरी है, उनका दुआ पर ईमान रखना कामिल यकीन रखना ज़रूरी है, और हर मुश्किल के वक्त दुआ के साथ उनको काम शुरू करना चाहिए और दुआ के साथ मुश्किल कुशाई के लिए खुदा के हुज़ूर गिरना चाहिए। इस तरह आपके हर शोबे में खुदा के फजल से गैर मामूली बरकत पड़ेगी। जो लोग दुआ के मज़मून को भूलते नहीं उनके कामों में बे इंतहा बरकत होती है। और इस पहलू से मैंने मसलन तबलीगी मैदानों में भी देखा है जहाँ उमरा सिर्फ खुश्क निज़ाम कायम करते हैं उनके तबलीगी निज़ाम में बरकत नहीं पड़ती, जहाँ दुआगो उमरा हैं और दुआएं करते भी हैं और आजी के साथ दूसरों को भी दुआ की तलखीन करते रहते हैं, दरख्वास्तें करते रहते हैं, उनके यहाँ गैर मामूली बरकत पड़ती है। बस अपने जमाती निज़ाम को खुश्क मकैनिकल दुनियावी निज़ाम न बनने दें, इसको अपने दुआओं से अपने आंसुओं से अल्लाह की मोहब्बत से तर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कामों में हैरत अंगेज़ बरकतें पड़नी शुरू हो जाएंगी, आपके वक्त में बरकत पड़ेगी, आपके कामों के फलों में गैर मामूली बरकत पड़ेगी, उनके जायके में बरकत पड़ेगी, उनकी मिठास में बरकत पड़ेगी, उनके बाकी रहने की सलाहियत में बरकत पड़ेगी। बस ये दो नसीहतें मैं आपको करनी चाहता हूँ, यानी निज़ाम जमात के लिहाज से तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें और खुदा के निज़ाम से सलीका सीखें और उस अर्श को हासिल करने की कोशिश करें जो हर अच्छे मुंतज़िम के मुकद्दर में हुआ करता है। वो निज़ाम मुकम्मल कर देता है और फिर अर्श पर बैठ जाता है, लेकिन आप जिस अर्श पर बैठते हैं वो खुदा के अर्श के कदमों में रहेगा, और जब तक दुआ के ज़रिए उसका खुदा के अर्श से ताल्लुक़ कायम ना हो वो अर्श कामिल नहीं हो सकता, यानी आपका अर्श, और वो बेमानी और बेहकीकत हो जाएगा। बस इस मज़मून को समझते हुए आजी के साथ दुआएँ करते हुए आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमें सही मानों में दीन का हकीकी इरफान अता करे और उस इरफान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ